हमने बनाई थी ना ट्विटर कॉपी लास्ट क्लास में, इसको जरा रन करके देख लेते पहले तो कि क्या बना हुआ है इसके अंदर। अच्छा अभी तो इसके अंदर ये बना हुआ है, लाइट डार्क चलता है ये अभी सर, सही है। अच्छा इसमें वो फेसबुक वाले जो कंपोनेंट थे वो तो अभी मौजूद नहीं है, तो मैं काम करता हूँ उसको कॉपी करके ले आता हूँ पुराने वाले प्रोजेक्ट में से, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने नया प्रोजेक्ट बना दिया था और इसमें कंपोनेंट्स एक प्रॉपर तरीके से एक हमने कंपोनेंट बना दिए थे। अच्छा इसका जो होम का पेज है वो इस वक्त स्क्रीन पर रेंडर हुआ हुआ है, सही है, सिर्फ और सिर्फ होम का पेज, ये होम का पेज रेंडर हुआ है, अभी होम के अलावा इसमें कोई और चीज़ रेंडर नहीं हुई भी है। अच्छा तो मेरा ख्याल है कि पहले, चलो पहले API कॉल करके हम देखते हैं, उसके बाद ये वाली करेंगे चीज़। अच्छा तो अब जल्दी से चलते हैं पुराने जो डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट थे ना, इसमें से हम उठा के ले आते हैं कौन सा वाला वाला, ये था ना पोस्ट का एक कंपोनेंट था, ये उठा के ले आते हैं, यही था पोस्ट का कंपोनेंट। और ये पोस्ट का कंपोनेंट मैं कहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे बनाना चाहिए मुझे इसको, जाहिर है कंपोनेंट के फोल्डर में एक नया फोल्डर बनेगा कंपोनेंट्स के अंदर पोस्ट के नाम से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा इसको कंपोनेंट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैंने कहा नया फोल्डर बनाओ जिसका नाम रखो पोस्ट, सही है पोस्ट होगा ऐस नहीं लगेगा इसमें। और इसमें मैंने कहा कि भाई इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। अच्छा जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो आप देखें कुछ जगहों पे ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है मुझे, कह रहा है भाई मूवमेंट मुझे नहीं मिल रहा और मुझे ये आइकन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो ये मैं इसको कहाँ से ला कर दूँगा, ये इम्पोर्ट जैसे वहाँ पर हुआ हुआ था वैसे ही इसको मुझे यहाँ पर भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हेलो कहाँ से लगेगा वो, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट और ये सारे फॉन्ट ऑसम वगैरह सब इम्पोर्ट हुआ हुआ था ऐसे ही मुझे इसको यहाँ पे भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ें मेरे ऐप में इंस्टॉल नहीं है अभी, इस वाली ऐप में, ये तो दूसरी ऐप है ना न्यू, इसमें वो इंस्टॉल नहीं है, तो मुझे इंस्टॉल भी इन सब चीज़ों को करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं और कुछ तो नहीं है इसके अंदर ऐसा जो हमें चाहिए होगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया बंद, और बंद करके मैं अपने नई वाली ऐप के अंदर आ गया, इसको यहाँ से भी मैं कर देता हूँ बंद। अभी ट्विटर कॉपी के नाम से जो ऐप है मेरी वो ओपन हुई भी है, और उसका कौन सा कंपोनेंट ओपन हुआ, ओपन हुआ हुआ है पोस्ट डॉट जे एस एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल भी करनी है जाहिर है। अच्छा तो पहले तो मैं मूवमेंट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm मूवमेंट, ये तो मुझे पता था। फॉन्ट ऑसम का ज़रा देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल होता है, वो दो तीन कमांड ही है उसको कोई मसला नहीं है, चला लेंगे बारी बारी। स्टार्ट CDN से नहीं चलेगा ये, तो उसको प्रॉपर इंस्टॉल करना होगा। रिएक्ट, ठीक है, सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है, बारी बारी बस कमांड ये सारी चलाते जाना है। अच्छा आइकन पैक में दो है, एक फ्री वाला एक प्रो वाला है, तो हमें फ्री वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है। और कौन सा है भाई ये प्रो, क्या स्टेप नंबर 3 में भी क्या है मेरे पास, एक कमांड है और ऐड सम आइकन्स, यहाँ पे आने के बाद एक कमांड और भी है इसकी बेबल मैक्रो के नाम से, सही है। ये सारी कमांड चला दी तो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको दोबारा से क्या करूँगा, npm स्टार्ट करके रन कर दूँगा, ठीक है। ये रन तो पहले भी सही हो रहा था, अभी भी सही हो रहा है, लेकिन इसमें ये पोस्ट असल में रेंडर नहीं हुआ हुआ अभी कहीं पे भी, ठीक है। तो पोस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बना के एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसका ताल्लुक किसी और कंपोनेंट से नहीं है। अच्छा इसकी CSS भी कुछ थी शायद,
जो मैंने अभी तक वहाँ से उठाई नहीं है, कॉपी नहीं की, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का HTML, CSS और JavaScript एक फोल्डर में होगा। तो इसको ज़रा जाते हैं होम पे, और होम पे इसको रिक्वायर करके ना ज़रा मैं रेंडर करके चेक करता हूँ कि होता है कि नहीं होता। इम्पोर्ट पोस्ट फ्रॉम, और मैंने कहा ././ और पोस्ट, ठीक है, क्योंकि एक फोल्डर पीछे मुझे जाना पड़ रहा है इसलिए डबल डॉट मैंने लगाया है। इसको और से देख लीजिए, इसको याद रखिएगा। अच्छा, मैंने पोस्ट को क्या किया, यहाँ पे ये रूम इज़ लिट और रूम इज़ डार्क जो था ना, इसके नीचे मैंने कहा भाई पोस्ट को क्या कर दो, रेंडर कर दो, ठीक है। हाँ, पोस्ट के अंदर मैं इसको नेम चाहिए होता है, मैंने कहा नेम इसको दे दो भाई आप इंजाम, एक बार उसको रेंडर कर दो ये। अच्छा, रेंडर तो ये हो गया लेकिन CSS के बगैर हुआ, क्योंकि CSS मैं वहाँ से उठा के नहीं लाया था, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा और वापस जाके मुझे ये index.css जो था ना, ये CSS आई ना इसी कंपोनेंट की CSS है, तो इसको भी मैं उठा के लेकर आऊँगा और जो पोस्ट का फोल्डर है उसी के अंदर क्या करूँगा, मैं एक index.css बना दूँगा और उसके अंदर ये सारा का सारा CSS का कोड भी मैं पेस्ट कर दूँगा। और इस पेज में आके मैं बोलूँगा कि भाई इम्पोर्ट CSS, अच्छा ./index.css, ठीक है, तो ये मेरा जो है प्रॉपर आ गया है। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने सिर्फ नाम दिया तो सिर्फ नाम आ रहा है और कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है, अब मैंने करना ये है, इसको वापस बंद कर देता हूँ जो जो मैंने कॉपी के लिए खोला था। अब मैं होम के पेज पे आ चुका हूँ, ये होम का पेज है मेरा, यहाँ पे मैंने इस पोस्ट को रेंडर करवाया, लेकिन मैंने इस पोस्ट को ऐसे रेंडर नहीं करवाना है, मुझे तो API कॉल करनी है जिससे मेरे पास डेटा आएगा। तो पहले मैं API कॉल करता हूँ, अभी मैं रेंडर कुछ भी नहीं करवा रहा, पहले मैं API कॉल करूँगा। API कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यूज़ स्टेट नाम की चीज़ है उसको मुझे, सॉरी यूज़ इफेक्ट नाम की चीज़ है वो मुझे अपने पास इम्पोर्ट करवानी होगी, रिएक्ट से ही इम्पोर्ट होके आती है वो भी। अच्छा, और मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट के अंदर मैं अपने कंपोनेंट के अंदर आके क्या बोलूँगा, यूज़ इफेक्ट, ठीक है, और ऐसे मैं इसके अंदर एक फंक्शन पास करूँगा और कॉमा डाल के स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अच्छा, अभी इसका सिंटैक्स जो है उसको आप इसी तरह से डाइजेस्ट करें। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है, जब उसको हम यूज़ करेंगे ना जब बताऊंगा। अभी हम उस स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आके मैंने क्या करना है, मैंने इसमें बोलना है एग्जियोस्ट, ज़ाहिर है API एग्जियोस्ट से कॉल होती है, exios.get, ठीक है, और exios.get के अंदर मैंने वो URL लिख देना है API का, तो वो ज़रा मैं आपको भेज भी चुका हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी API है ट्विटर की जो जी अभी लिखी है मैंने पेंट। अच्छा, और अच्छा एग्जियोस तो मेरे पास है भी नहीं इस प्रोजेक्ट में, है क्या एग्जियोस, इंस्टॉल कर लेते हैं npmi एग्जियोस, ठीक है, इंस्टॉल नहीं था तो वो एरर देगा चलने में। एग्जियोस को मैंने इंस्टॉल करके दोबारा से, एग्जियोस एक लाइब्रेरी होती है, हम यूज़ कर चुके हैं पहले ही, यूज़ नहीं किया अपने, हाँ वेदर ऐप बनाई है ना तुमने इस क्लास में, उसमें एग्जियोस यूज़ नहीं किया था, किया था ना, तो आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से पूछा, नहीं नहीं चेंज कहाँ किया मैंने, एग्जियोस डॉट गेट ऐसे ही होता था पहले भी, इसमें चेंज है कुछ क्या, इसमें क्या चेंज है, अभी अभी मैं लिख रहा हूँ ना, वो तो मैंने लिखा नहीं है ना, अभी मैं लिख रहा हूँ, सही है, अभी मैं पूरा कोड लिखा था, अभी तो मैं ये देख रहा था कि वो इंस्टॉल है या नहीं है, इसलिए मैं रुक गया था। यहाँ पे मैंने कॉन्सोल ओपन कर लिया, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एग्जियोस डॉट गेट और उसके बाद डॉट देन, ऐसे लिखते थे ना हम, रिस्पॉन्स और उसके बाद लिखते थे डॉट कैच, सही है,
ये दो होता है, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ तो देन चलेगा, अदरवाइज कैच चलेगा। अब ये रिस्पॉन्स के ऊपर ना मैं कंसोल करवा लेता हूँ कि रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है। रिस्पॉन्स ठीक है, और एरर के ऊपर मैं क्या बोल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एरर, और साथ में एरर को प्रिंट भी करवा देता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एग्जॉस्ट तो लिखना हमने देखा हुआ है पहले भी, इसी तरह लिखा था हमने एग्जॉस्ट। एपीआई जो हमने ओपन वेदर की डाली थी, इस दफ़ा मैंने एक दूसरी एपीआई डाली है। मैं चाहता था कि इसमें रियल एपीआई हम इस्तेमाल करें, ट्विटर की या फेसबुक की, लेकिन उसका वो प्रोसेस इतना लंबा है, वो मेरे से हुआ नहीं। वो कर भी लिया था मैंने पूरा साइनअप वगैरह उसमें ट्विटर के डेवलपर उस पर, लेकिन वो आखिर में उसने बोला कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो रिव्यू पर चली गई है, अब बाद में अप्रूव होगी, तो फ़ौरन वो मुझे अवेलेबल हो नहीं पाया। वेल खैर हो गई, मैंने अपना बना लिया छोटा सा। ये जेसन प्लेस होल्डर के नाम से जो है ना एक छोटा सा एक है प्लेटफॉर्म, उसमें अपनी मर्जी का कोई भी चीज़ आप डाल दो तो वही रिटर्न करता है वो, ठीक है। ये कोई एक्चुअल सर्वर नहीं है, ये प्लेस होल्डर सर्वर है। आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जरूरी वो आप छोड़ दो ना, क्या अभी जो भी है अभी ये मैंने बना दिया ना जो इसी को यूज़ करना, ठीक है। या तो ट्विटर का डायरेक्ट कर लो अगर किसी से हो पा रहा है वो। ये इसमें जेसन प्लेस होल्डर अपना बनाने में ना टाइम ज़ाया नहीं करना, ये जो मैंने बना दिया या तो यही यूज़ करो या तो ट्विटर का अपना जो है ना वो यूज़ करो। पब्लिक एपीआई है, लेकिन वो पब्लिक एपीआई ना बिल्कुल पब्लिक नहीं है, वो कहता है कि आप साइन अप करो, टोकन होगा, फिर टोकन के साथ आप एपीआई कॉल करोगे, फिर आएगा डाटा। तो वो मुझसे उसने 1000 सवाल पूछे हैं कि भाई पता नहीं क्या करोगे आप, आपकी कंपनी क्या है, कितने बंदे काम करते हैं, कहाँ पाकिस्तान में कहाँ है, वो सब जब मैंने बता दिया ना उसने बोला भाई आखिर में रिव्यू पर चला गया। मैंने बोला यार बेड़ा घर, टाइम ज़ाया कर दिया सारा। वेल अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की जो है ना वो आपकी क्या है, वो ये है कि ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ना, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट है ये यहाँ से इसकी बॉडी शुरू है लाइन नंबर 12 से, और ये लाइन नंबर 23 में ये ख़त्म है। इसके दरमियान में जो भी कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एक दफ़ा ख़ुद से चल जाएगा, दोबारा वो कभी भी नहीं चलेगा। ये कोड जो है एक दफ़ा ख़ुद से चल जाएगा, कब चलेगा, आपका कंपोनेंट जैसे ही लोड होगा ना वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट लोड होने का मतलब क्या है कि जब आप इस पेज के ऊपर होंगे, अभी तो हमने मल्टी पेजेस की एप्लीकेशन नहीं बनाई ना, अभी इंशाल्लाह आज ही बनाने की कोशिश करेंगे एक से ज़्यादा पेजेस वाली एप्लीकेशन। तो आप जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे ना तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जब आप वापस उस पेज पे आएंगे तो ये क्या होगा, दोबारा चल जाएगा, क्योंकि दोबारा लोड हो रहा है आपका कंपोनेंट, तो ये दोबारा चल जाएगा। तो जब आप क्या होगा, ये आपके कंपोनेंट के लोड होने पे ये एक दफ़ा चलेगा, दोबारा कभी भी ये नहीं चलेगा। अच्छा, हमारे केस में एग्जैक्टली हमें यही चाहिए, पेज जैसे ही लोड हो ना एक बार चल जाए वो। अच्छा, चला के देखते हैं कि भाई वाकई एक दफ़ा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। रिफ्रेश किया मैंने पेज अपना, ये देखो चल गया एक बार, सही है। हाँ तो इसमें सवाल तुम्हारा क्या होगा, कब बनाएंगे, बना रहे हैं बस, अभी बना ही रहे, एक एक करके सीखते जा रहे हैं। समझ वो तो जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा ना आपको, जब देखो ये आगे का टॉपिक है ना, ये वाले सवाल आगे करना, अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी उससे मुतालिक अगर कोई सवाल है तो वो करो। जो तुम जो चीज़ें तुम्हारे जहन में चल रही है ना इंशाल्लाह वो सब हम पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाओ तुम उससे। तो अभी अगर मैं मल्टी पेजेस के बारे में तुम्हें बताना शुरू कर दूंगा ना तो ये फिर सीख नहीं पाओगे, तो अभी इससे मुतालिक सवाल करो। जब हम मल्टी पेजेस आज ही कोशिश करेंगे हम पढ़ने की, तो फिर वो वाले सवाल भी हम सारे कवर करेंगे। अच्छा, तो हमने ये देखा कि भाई ये ना एक दफ़ा चल जाता है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम ये दो बार भी चल जाता है डेवलपमेंट में, ये बिल्ड ये देख रहे हो अभी ना दो बार चल रहे हैं, ठीक है। वो डेवलपमेंट सर्वर पे ना सम टाइम ये दो बार चलता है, ये ग्लिच है इसका, लेकिन वो बिल्ड में सही चलता है, बिल्ड में एक बार चलता है, ठीक है। ये भी बाई द वे मैंने एक दफ़ा गूगल किया था, पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकला था कि वो दो बार क्यों चल रहा है। वेल चलो छोड़ो फिलहाल उसको, तो पता ये चला भाई ये एक बार ये कॉल हो गया,
अच्छा, कॉल होने के बाद मैंने क्या करवाना है, इसमें से जो रिस्पॉन्स आया है उसको मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना होता है, स्टेट वेरिएबल में जो चीज़ होती है मैं उसी को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ, जो चीज़ स्टेट वेरिएबल में नहीं होती उसको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं करवा सकता। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अदद स्टेट वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्ट। ठीक है जी, पोस्ट, पोस्ट में एस लगाया मैंने क्योंकि ये एरे है, और सेट पोस्ट। हाँ, लेकिन नाम रेलेवेंट होना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी, जैसे वो नॉर्मल वेरिएबल आप बनाते हैं ना तो उसमें रेलेवेंट नाम रखते हैं, तो इसमें भी नाम रेलेवेंट होना अच्छा है। वेल, आप कुछ भी नाम रखेंगे कोड आपका स्टिल चलेगा, आप ए बी सी कुछ भी नाम रखें कोड तो चलेगा आपका, लेकिन नाम अगर रेलेवेंट हो तो बेहतर है। मैंने कहा सेट पोस्ट, और सेट पोस्ट में मैंने क्या दे दिया, जो रिस्पॉन्स आया था ना, अच्छा एक रिस्पॉन्स डायरेक्ट था, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना, सही है, रिस्पॉन्स डायरेक्ट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ही मैं प्रिंट भी करवा रहा हूँ, फिर रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ही मैं इसमें सेट भी करवा रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, एक अदद एरे मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, एक अदद एरे मेरे पास आ चुकी है, कहाँ पे, स्टेट वेरिएबल में, जो एरे क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, उस एरे के हर इंडेक्स में एक मुकम्मल पोस्ट मौजूद है, सही है। अच्छा, तो अब ये हो गया सेट, अब नीचे आके मुझे क्या करना है, स्क्रीन पे मैंने क्या करना है, उस एरे पे मैप चलाना है और उस एरे के अंदर मौजूद जितने भी आइटम है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा पहले तो जावास्क्रिप्ट वाली करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, एग्री है सब लोग। मैंने कहा पोस्ट डॉट मैप, ठीक है, ये कौन सा पोस्ट है, ये जो ऊपर स्टेट वेरिएबल मैंने बनाया था वो वाला पोस्ट है ये। शुरू में ये खाली होगा तो मैप चलेगा ही नहीं, पहली दफ़ा तो जब कोड मेरा पेज लोड होगा तो ये खाली होगा, क्योंकि पेज लोड होते ही एपीआई कॉल लग जाती है, लेकिन एपीआई का रिस्पॉन्स आते आते एक दो सेकंड लगता है कभी कभी, तो जब तक ये मैप चलेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा, और मैंने कहा कि ईच पोस्ट, अच्छा ईच पोस्ट के साथ मुझे और क्या मिलता है, मुझे इंडेक्स भी मिलता है। ठीक है, इंडेक्स को आई कर देते हैं, आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, कोई भी आप ईच पोस्ट की जगह कोई और भी नाम लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, और मैंने क्या करना है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने कहा एक डिव है, सही है, और इस डिव में क्या करना है, हमने ईच पोस्ट डॉट नेम प्रिंट करवा देना, सही है, और ये भी मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में क्या लिख दिया इसके, JSX, तो JSX के बीच में जब मैं लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट होगी। अच्छा, मैंने कहा ईच पोस्ट का नेम जस्ट आप प्रिंट करवा दो, दैट्स इट, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो नेम थे ना वो प्रिंट हो गए सिर्फ और सिर्फ। मैंने कहा नेम के साथ साथ क्या करवा दो आप, इसका टेक्स्ट भी प्रिंट करवा दो, पोस्ट, अच्छा ये कह रहा है कि एक होना चाहिए पेरेंट, चलो पेरेंट एक करवा देते हैं इसको, सही है, पेरेंट कह रहा था एक होना चाहिए। पोस्ट टेक्स्ट मैंने किस नाम से लिखा हुआ है, ठीक है, पोस्ट का टेक्स्ट भी आ गया ये। अब देखो क्या हो रहा है, एक नाम है, एक पोस्ट का टेक्स्ट है, फिर अगला नाम है, फिर अगला पोस्ट का टेक्स्ट है, तो क्या मैं इसको ऐसे करके डिस्प्ले करवाऊँ, सही है, मेरे पास एक डेडिकेटेड कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या दे सकता हूँ, एट्रीब्यूट, मैंने कहा नेम के अंदर क्या दे दो, ईच पोस्ट डॉट नेम, सही है। अब क्या रेंडर हुआ, पूरा प्रॉपर पोस्ट वाला जो है ना कंपोनेंट रेंडर हुआ। ठीक है, मैंने कहा अब इसके अंदर और क्या होता है, पोस्ट का टेक्स्ट, पोस्ट का टेक्स्ट है, उसके अंदर मैंने कहा भाई ईच पोस्ट डॉट पोस्ट टेक्स्ट,
इसको मैं मल्टी लाइन में कर देता हूँ ताकि ये जगह कम घेरे। सही है, पोस्ट है, टेक्स्ट मैंने दे दिया, देखो टेक्स्ट आ गया। और मुझे क्या देना है इसमें? प्रोफाइल फोटो, ईच पोस्ट डॉट प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल फोटो भी आ गई, सही है। अच्छा ये सब कहाँ से आ रहा है? ये इस डेटा में मौजूद है। ये देखो, नेम, पोस्ट की डेट, पोस्ट की इमेज, पोस्ट का टेक्स्ट, प्रोफाइल फोटो। ठीक है, तो पोस्ट की इमेज अब देना रह गया सिर्फ, पोस्ट इमेज। हाँ, पोस्ट इमेज और पोस्ट डेट। ठीक है, पोस्ट की डेट भी आ गई। ये पोस्ट इमेज गलत क्यों आ रही है? पोस्ट इमेज, आई एम ए जी, सही तो लिखा है मैंने। पोस्ट इमेज सही तो है। अच्छा वो शायद यूआरएल एक्सपायर हो गया हो ना, मे बी यूआरएल को जरा मैं चला के देखता हूँ। URL एक्सपायर हो गया है, वो जो पोस्ट में जो इमेजेस है ना, उस इमेजेस का URL एक्सपायर हो चुका है, इसलिए वो शो नहीं हो रही। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पोस्ट इमेज के अंदर हम कोई दूसरा इमेज दे देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, वो API से जो आ रहा है उसमें जो इमेज है वो एक्सपायर है ना, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से कोई दूसरी इमेज दे देते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने कहा भाई पोस्ट इमेज जितनी भी है ना वो सब क्या होगी, वो ये वाली पोस्ट होगी। सही है, तो ये मैंने क्या तैयार कर दिया, देखो जब रिफ्रेश करूँगा पेज खाली है, थोड़ी देर में आता है। ठीक है, जब पेज रिफ्रेश होता है तो वो थोड़ी देर में आता है, क्योंकि ये एक्चुअल में सर्वर से आ रहा है, किसी सर्वर से उठ के ये पोस्ट आ रही है। जी के सामने ही चल रहा है, अनडिफाइन क्यों चल रहा है? हाँ तो खाली है तो मैप नहीं चलेगा ना, खाली पे मैप नहीं चलता, खाली एरे पे मैप नहीं चलता, ये सीन है। अगर आप एरे नहीं रखोगे उसको शुरू में कुछ और रख दोगे तो फिर वो एरर भी देगा आपको। शुरू में खाली एरे रखा है ना मैंने, ये देखो शुरू में क्या रखा है इसको मैंने, एम्प्टी एरे। ये इस लिट वाले को देखो क्या रखा है, दो है ना यहाँ पे मेरे पास। इस लिट वाले को मैंने शुरू में क्या रखा है, ट्रू। इसको ट्रू नहीं रखा है, इसको एम टी आर ए रखा है, फॉर द रीज़न कि इसके ऊपर शुरू में मैप काम ना करे। मैप घूमेगा ही नहीं जब वो ज़ीरो होगा, तो एरे की लेंथ जब ज़ीरो होती है तो मैप घूमता ही नहीं है, ऐसे ही खड़ा रहता है सीधा। अच्छा तो ये हमने क्या देखा, यूज़ इफेक्ट के दरमियान में आप कोई भी API आपको कॉल करनी है ना पेज लोड होते ही, तो वो आपने क्या करना है, यूज़ इफेक्ट के अंदर उसको रख देना है, जैसे ही पेज लोड होगा वो चल पड़ेगा। सही है, अच्छा। और जब वो पेज लोड होकर जब वो API चलेगी तो उसका जब रिस्पॉन्स आएगा ना, सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स हम कहाँ रखवा देते हैं, स्टेट वेरिएबल में। अब स्टेट वेरिएबल में जब वो चला गया एक बार, तो फिर उसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकता हूँ मैप चला के। अब डिपेंड करता है, अगर वो एरे है तो मैप चलेगा, अगर एरे नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, या टेक्स्ट है या नंबर है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, एरे है तो मैप चला के होगा। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा वेदर ऐप तो इस पर बना चुके हैं आप लोग ना, रिएक्ट पे या नहीं बनाया? अच्छा, अब अगर यही काम मुझे वेदर ऐप के लिए करना है, तो क्योंकि वेदर ऐप में तो इस पेज लोड होते ही थोड़ी चलता है, वो तो थोड़ी देर में आता है, ओ मतलब बटन के क्लिक पे आता है वो, पेज लोड होते ही तो नहीं चलता ना, वेदर का डेटा तो नहीं आता, तो बटन दबाते हैं तो आता है, तो उसमें यूज़ इफेक्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसमें यूज़ इफेक्ट लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। मिसाल, हाँ अब फंक्शन बनाना होगा आपको, क्लिक का फंक्शन बनाना होगा। मिसाल के तौर पर आपको क्या फंक्शन बनाना होगा कि ये जो लिट वेगेंट है ना, ये तो मैं हटा रहा हूँ,
सही है, ये लिड हटा रहा हूँ। ओके लिड हटा क्यों रहा हूँ इसको, तो मैंने वो ऊपर करना है ना कोने में। चलो इसको रहने देते हैं, खैर लिड वाले को। सही है, इसको मैं कह देता हूँ टॉगल डार्क मोड। सही है, ये बटन रहेगा कोने पे और ये टॉगल डार्क मोड उसको करता रहेगा। या एक काम और किया जा सकता है कि मैं एक नया कंपोनेंट बना लूँ, एक तो होम के नाम से है ना, एक वेदर के नाम से मैं एक नया बना लूँ। ये होम है, होम पे हमेशा ये चीज़ आती है मेरे पास। अब मैं काम करता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ वेदर के नाम से, वेदर अपडेट, सिर्फ वेदर बल्कि। हाँ एक नया कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ मैं, मैंने कहा वेदर और एंटर कर दिया, और वेदर के अंदर मैंने पेज बना दिया क्या, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स, ये मैंने वेदर का पेज बना दिया। अब इसके ऊपर मुझे वेदर का डेटा चाहिए, सेम उसी तरह जैसे मैं होम पे लेकर आता था। अच्छा होम का तमाम कोड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, होम का मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया और लाके वेदर में उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा होम का नाम चेंज कर देता हूँ मैं इसमें वेदर। सही है, अच्छा इसमें भी मुझे, अच्छा यूज़ इफेक्ट की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़ इफेक्ट हमें कब चाहिए होता है, जब पेज लोड होते ही कोई काम करवाना हो उस वक्त चाहिए होता है। तो अब मैं ये काम कहाँ पे करूँगा, ये मैं क्लिक हैंडलर में करूँगा कि भाई कोई बटन क्लिक होगा उसके ऊपर ये कॉल होगा एक्सियोस। सही है, क्लिक हैंडलर ये हम सब लोग कर चुके हैं पहले, क्लिक हैंडलर। अच्छा और ऊपर मैं स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा, उसका नाम क्या रख देता हूँ मैं, वेदर डेटा रख देता हूँ मे बी। वेदर डेटा कॉमा सेट वेदर डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में मैं इसको क्या रख देता हूँ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट। जो करंट वेदर का जब मैं डेटा मंगवाता हूँ तो वो मुझे ऑब्जेक्ट देता है। एरे भी मंगवा सकता था लेकिन एरे की एग्जाम्पल हो गई ना स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने की, एक ऑब्जेक्ट की करके देखते हैं। अच्छा अब मैंने यहाँ पे API कौन सी कॉल करनी है, ओपन वेदर की API मैंने यहाँ पे कॉल करनी है। ठीक है, ओपन वेदर की API मैं कैसे कॉल करूँगा, चलते हैं ओपन वेदर वाले पे। कोई नहीं कोई नहीं, ये मैं शायद नीचे रखा था, मैं रख के भूल गया था। ये मैंने ओपन वेदर डेटा का वो उठा लिया API जो मैंने कॉल करनी है, और ये मैंने यहाँ पे कॉल कर दी। मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से इसको नहीं उठा रहा हूँ, मैं कैसे उठा रहा हूँ इसको, क्यू से उठा रहा हूँ, क्वेरी जो है हमारी। और क्यू करके इसमें मैं क्या डालने लगा हूँ, सिटी नेम। सही है, और ऐप ID में, अरे यार ऐप ID भी चाहिए होगी ना मुझे, माई API कीज। कॉपी कर लिया इसको मैंने, और ऐप ID के जगह मैंने ये की डाल दी थी। ठीक है, ऐप ID की जगह ये डाल दी। अच्छा एक चीज़ मुझे और देनी होती है इसको, यूनिट्स है ना, यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक, यही देना होता है ना, यूनिट्स इक्वल टू मैट्रिक, वरना वो सेंटीग्रेड में नहीं देता, पता नहीं किसी और में देना शुरू किया। अच्छा ये सिटी नेम तो अभी बना हुआ नहीं है राइट, ये सिटी नेम अभी बना हुआ नहीं है, तो मुझे ये सिटी नेम क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा। तो ये सिटी नेम मैं ज़रा यहाँ पे बना लेता हूँ,
सही है, सिटी नेम और सेट सिटी नेम, ये क्या होगा शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ये सिटी नेम, सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, सिटी नेम जो एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा ये सिटी नेम मिलेगा कहाँ से मुझे, ये सिटी नेम जाहिर है कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा जहाँ से मुझे वैल्यू मिलती होगी, तो टेक्स्ट बॉक्स तो बना हुआ नहीं है, बना लेता हूँ, ये सब उड़ा दिया मैंने, मैंने जे एस एक्स सारा का सारा उड़ा दिया। क्या कह रहे हो, लिट और डार्क तो छोड़ो ना अभी, इसको लिट और डार्क कहाँ है, हाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहा फॉर्म सही है, फॉर्म बनाना ज़रूरी है भाई, फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैंने कहा ऑन सबमिट, ऑन सबमिट के ऊपर मैंने क्या दे दिया, क्लिक हैंडलर, भाई तब इसका नाम क्लिक हैंडलर नहीं होना चाहिए, अब इसका नाम होना चाहिए सबमिट हैंडलर, ठीक है सबमिट हैंडलर, और ऊपर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम है सबमिट हैंडलर, रेलिवेंट नेम होने की बात है और कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा इसमें मुझे चाहिए एक अदद इनपुट बॉक्स, ठीक है जिसका होगा टेक्स्ट टाइप, और इसमें प्लेस होल्डर लगा देते हैं हम कि भाई एंटर योर सिटी नेम, सही है, और इसको मैंने कहा रिक्वायर्ड भी है, ये रिक्वायर्ड लगा दिया, और क्या चाहिए मुझे इसमें, ऑन चेंज, ये हम पहले भी देख चुके हैं इसमें से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे उठाते हैं, ऑन चेंज से उठाते हैं, ठीक है दोबारा भी देख लेते हैं हम, ये मैंने छोटा सा फंक्शन यहीं पे बना दिया, और इस फंक्शन में मुझे क्या मिलता है, ई मिलता है, और मैंने कहा कि सेट सिटी नेम, और सेट सिटी नेम के अंदर मैंने कहा ई डॉट टारगेट डॉट क्या है, क्या था इसका, और टारगेट डॉट वैल्यू, सही है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको मैं कंसोल भी करा लेता हूँ, देख लेता हूँ कि यही मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, सही है कंसोल भी करवा लेता हूँ इसको। ओ अभी वेदर वाला तो स्क्रीन पे है ही नहीं, अभी तो स्क्रीन पे वो दूसरा है होम, तो वेदर को क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्रीन पे ना जो अभी वाला है उसको हटा के मैं वेदर ले आता हूँ ऐप डॉट जे एस में ना, ये होम को मैं रोक देता हूँ, और होम को रोक के इसकी जगह क्या ले आता हूँ वेदर, ठीक है इसकी जगह मैं ले आता हूँ वेदर, ठीक है। अच्छा वेदर के अंदर कुछ अभी एरर है, क्या एरर है भाई, लाइन नंबर 22 में कोई एरर है, लाइन नंबर 22 में क्या एरर है, हाँ सेट पोस्ट तो मौजूद नहीं है ना, सेट वेदर डेटा है, अभी हमने सेट वेदर डेटा रखा है, हाँ अब क्या मसला है, लाइन नंबर 7 में भी कोई एरर है, 7 तो है ही नहीं अगर, वेदर डॉट जे एस एक्स लाइन नंबर 7 मॉड्यूल नॉट फाउंड इंडेक्स डॉट सी एस एस, अच्छा वेदर के अंदर जो है वो सी एस एस नहीं मौजूद अभी, तो सी एस एस हटा देता हूँ, सी एस एस की मुझे ज़रूरत भी नहीं है अभी। अच्छा ये आ गया देखो एंटर योर सिटी नेम, ये लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अभी सिर्फ यही है मेरे पास, मैं लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो ये सही है पकड़ में आ रहा है, जो असल में ऑन चेंज मैंने लगाया था ना अभी, उसको मैंने चेक करना था ये ऑन चेंज जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ऑन चेंज पे जैसे ही मैं लिखता हूँ ना एक बटन प्रेस करता हूँ, वो ऑटोमेटिक जाके स्टेट वेरिएबल में सेव हो जाता है, तो जब मैं लिखने के बाद सबमिट करूँगा तो वो उस वेरिएबल में सब कुछ होगा पहले से, और मैं इसके अंदर एक बटन भी बना देता हूँ यहाँ पे, जिसकी मैं क्या रख देता हूँ, टाइप सबमिट रख देता हूँ, वैसे तो मैं एंटर करूँगा तो भी चलेगा वो, लेकिन बटन होना ज़रूरी है, और इनपुट बॉक्स से पहले मैं क्या लगा देता हूँ, एक ऐसे लेबल लगा देता हूँ सिटी नेम, ठीक है वैसे तो इसको लेबल का टैग लगा के मुझे प्रॉपर करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ इस तरह से कर रहा हूँ। अच्छा इसमें ऑन चेंज में जो कंसोल है इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको मैं सिंगल लाइन में कर देता हूँ, ठीक है ऑन चेंज को मैंने सिंगल लाइन में कर दिया।
अच्छा, अब मेरे पास एक अदद फॉर्म है जिसमें एक अदद इनपुट बॉक्स है और वो बटन सबमिट होता है। सबमिट होने पे ये सबमिट हैंडलर चलता है। सबमिट हैंडलर जब चलता है तो क्या होता है, एक कंसोल आता है आई एम सबमिट हैंडलर, उसके बाद एपीआई कॉल होती है। एपीआई का जब रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा उठ के कहाँ चला जाता है, वेदर डेटा के स्टेट में चला जाता है, स्टेट वेरिएबल में चला जाता है। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं कि वेदर एपीआई क्यों यहाँ तक का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबमिट करने पे ये हैंडलर चल रहा है कि नहीं चल रहा, और ये वेदर का डेटा आएगा तो कंसोल हो जाएगा। देख लेते हैं इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई कराची और गेट वेदर, अरे अच्छा पेज रीलोड हो रहा है। अच्छा, पेज रीलोड को रोकने के लिए इसमें हम क्या लगाते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे ई मिलता है मुझे इवेंट, और मैं कहता हूँ ई डॉट ठीक है। ये एक आसान सा तरीका है और यही प्रॉपर तरीका है। ये हमने देखा था कि शुरू में हम कुछ और लगाते थे, अब हम ये लगाते हैं। ठीक है, गेट वेदर, गेट वेदर किया मैंने रिस्पांस के अंदर, मुझे देखो वेदर का डाटा मिल गया। ये वेदर का डाटा साथ साथ स्टेट में भी जाके सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, जो भी चीज़ें वैल्यू इसके अंदर मौजूद हैं वो सारी मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक डिव बनाता हूँ। ये एक डिव बना दिया मैंने, सही है। HTML में क्या करते थे हम, इस डिव को एक आईडी देते थे। ठीक है, रिजल्ट हर रिस्पॉन्स आने में क्या करते थे, इसको पूरे को उठाते थे, उठा के उसमें रखवाते थे। मुझसे पूछ रहा था ना कोई रिएक्ट में, सर गेट एलिमेंट बाई आईडी कैसे करते हैं, तो क्या उसकी ज़रूरत है मुझे, है इसको कैसे प्रिंट करवाऊँ मैं जो डेटा आ गया मेरे पास। डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूँगा यहाँ पे, और इसमें क्या लिखूँगा मैं, वेदर डेटा डॉट मेन डॉट बोलो क्या था, टेम्प 25.9 आ गया, प्रिंट हो गया। टेम्परेचर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सी लिख दिया बड़ा सा। टेम्परेचर की स्पेलिंग क्या मैंने गलत लिखी है, अब सही हो गया। अच्छा, वो सेंटीग्रेड वाला जो गोल है ना वो भी ले आता है, सेंटीग्रेड वाला जो ये गोल्स है ना हमारा। हाँ भाई, प्रिंट हो गया टेम्परेचर स्क्रीन पर। वो वाले मसले बच गए हमारे, वो वाला जो मेहनत थी वो बच गई। बोलो, वो जैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में वैसे ही करेंगे। असाइनमेंट बता रहा हूँ अभी। अच्छा, ये यही है ना वो चीज़ जिसको राउंड करना है, तो इसको मैं मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड या मैथ डॉट फ्लोर जो भी, ख़त्म हो गया पॉइंट। जी भाई, वेदर वाला रेंडर हो रहा है, वो तो होम पे हो रहा है, ऐप डॉट जी एस में हो रहा है। ये रहा, सेल्फ क्लोजिंग है, दोनों तरीका सही है, ये भी सही है ये भी सही है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। दोनों तरीके सही हैं, सही है, जो अच्छा लगे इसमें से वो चला लो। मैंने दोनों इसलिए लिखा है कि दोनों पता चल जाए। दिखा देना मुझे क्या ऐसे होना नहीं चाहिए। देखो, हमेशा क्लास का नाम देके करोगे ना प्रॉपर, कोई मसला नहीं होगा। अगर डायरेक्ट सीएसएस लगाओगे फिर मसला होगा, फिर तो मसला होगा ना। हाँ, नहीं, यूएल के अंदर एलआई लिखोगे ना तो फिर पेज में और भी तो यूएल होंगे ना, सब पे अप्लाई हो जाएगा। एलिमेंट के नाम से तो कभी भी नहीं देना चाहिए, एलिमेंट के नाम से कभी भी नहीं देते, क्लास देते हैं, आईडी देते हैं। सही है, टारगेट करते हैं, वैसे सपोज नहीं, मतलब यूएल को क्लास दे दिया।
सेलेक्टर शुरू आपका क्लास से आईडी से होना चाहिए कि फलां क्लास है इसके अंदर यूएल है उस पर ये लगा दो, फलां क्लास के अंदर एलआई है ये लगा दो। यार ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसको अलग से तुम गूगल कर लेना। नहीं नहीं ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर स्टेरिक करोगे ना फिर तो वो सब पे आएगा। हाँ ना फिर तो सब पे लगेगा वो। अच्छा भाइयों ये सबको समझ आ रहा है वेदर वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे? अच्छा टेम्परेचर के अलावा मैंने लिखना है मिन, सही है, और मिन में भी मैंने वही बात लिख दी। इसको मैंने राउंड राउंड नहीं, चलो राउंड बल्कि इसको भी कर दिया। टेम्प अंडर स्कोर मिन है ना क्या है, या मिन अंडर स्कोर टेम्प? सही है, मिनिमम भी यहाँ पे शो हो गया। अच्छा ये क्या हुआ भाई, ये तो इसने एरर दे दिया लाल कलर का, कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। कह रहा है ये तो आपका जो वेदर डेटा है ना ये तो अनडिफाइन है, ये क्या एरर दे दिया इसने? ये असल में हुआ ही है, देखो ये आएगा आपके पास एरर, जब मेरा कंपोनेंट रन हुआ तो शुरू में क्या आता है ये वेदर डेटा के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे मेन करेंगे नहीं मिलेगा, एरर दे देगा, मेन है ही नहीं उस पर, और मेन पे और आगे टेम्प लगाया हुआ मैंने तो वो भी नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को ना कंडीशनल करना पड़ेगा, इस पूरे कोड को क्या करना पड़ेगा कंडीशनल, कि जब टेम्प के अंदर ना कोई चीज़ जब आ जाए वेदर डेटा डॉट मेन के अंदर जब कोई चीज़ आ जाए तो जब ही इसको चलाया जाए, अदरवाइज इसको ना चलाया जाए। कैसे करूँगा मैं ये काम? टर्नरी ऑपरेटर से, ठीक है, मैं यहाँ पे लगाऊँगा एक अदद, जावास्क्रिप्ट का ऐसे कोड लगाऊँगा, मैं बोलूँगा इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगाऊँ। टर्नरी ऑपरेटर में क्या बोलूँगा मैं, इफ वेदर डेटा, ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स क्या हो गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अगर हो इक्वल्स इक्वल्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो क्या करो यहाँ पे नल प्रिंट करो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा डिव प्रिंट करो। सही है, समझ आया सबको ये? जी एक हेल्थ नहीं लगा सकते यहाँ पर। यार प्यारे दोस्त मुझे पानी पिला दीजिएगा। शुरू में वेदर डेटा मेरा नल है ना और एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, तो मैंने कहा वेदर डेटा अगर इक्वल इक्वल है और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के तो यहाँ पे नल करो, नल या एम्प्टी स्ट्रिंग एक ही बात है, ठीक है, नल वैसे ज़्यादा सही लगता है, पता चलता है बकायदा कि हाँ कुछ नहीं करवाया जा रहा, तो नल है। तो देखो शुरू में क्या हो गया, अरे क्या बकवास है, वो इक्वल्स इक्वल्स इस पर वो काम ही नहीं कर रहा। वेदर डेटा काम करते हैं ना, वेदर डेटा डॉट मेन पे लगा देते हैं। क्या हो गया इसमें? शुरू में नल ही रखवा देता हूँ फिर मैं उसको ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे ना वो असल में इक्वालिटी ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, मैं शुरू में इसको नल रखवा देता हूँ ताकि मैं इजीली नीचे उसको चेक कर सकूँ। मैंने कहा कि भाई वेदर डेटा इक्वल्स इक्वल्स अगर नल हो तो इसको नल करवा दो, आप सही हुआ नहीं, शुरू में इसको मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो रखवाया था उसकी जगह मैंने शुरू में नल रखवाया ताकि मैं उसको अच्छी तरह चेक कर सकूँ टर्नरी ऑपरेटर। तो शुरू में जब मैंने इसको चलाया ना तो वो रेंडर ही नहीं होगा स्क्रीन पर। अब मैंने यहाँ लिखा कराची और गेट वेदर किया ना तो जब वो आएगा स्क्रीन पर, ठीक है, उससे पहले आएगा नहीं। अच्छा उसके बावजूद भी जब मैं इस पर देखो रेंडर करवाऊँगा ना, इसमें नलिश ऑपरेटर होता है क्वेश्चन मार्क, ये मैं लगाऊँगा लाजमी, ठीक है, ये लगाने से क्या होता है? अच्छा इसको लगाने से ना पहली बात ये टर्नरी ऑपरेटर का मसला मेरा हल हो जाता है,
ठीक है, मैं टर्नरी ऑपरेटर नहीं भी लगाऊँ ना, नलिश ऑपरेटर लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन देखो अभी बिल्कुल सही चलेगा ये, लेकिन मसला क्या हुआ इसके अंदर, वो स्टिल जो हार्ड कोडेड लिखा हुआ था ना, वो स्टिल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये पूरा डिव स्टिल रेंडर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है ना वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प, वो वैल्यू अगर ना मिले तो उसकी जगह क्या आ जाता है, अनडिफाइन आ जाता है उसकी जगह, सही है, अनडिफाइन आ जाता है, तो इससे कोड ब्रेक नहीं होता आपका। लेकिन मुझे ये पूरा ही रेंडर नहीं करवाना ना, तो मुझे टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगाना मेरे लिए ज़रूरी है, और ये नलिश ऑपरेटर जस्ट फॉर द मैंने सेफ साइड लगाया है कि भाई क्योंकि सम टाइम हो सकता है मेन के अंदर टेम्प तो मिल रहा हो लेकिन टेम्प अंडर स्कोर मिन ना मिल रहा हो, किसी दफ़ा ऐसा हो सकता है, क्योंकि API जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं मिलती, कभी थोड़ी मुख्तलिफ भी डेटा आ जाता है, ठीक है, API अपडेट हो जाती है, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो इसलिए मैं जब भी API का कोई भी पैरामीटर प्रिंट करवाऊँगा API से आने वाला डेटा, तो उसमें नलिश ऑपरेटर मुझे ज़रूर लगाना है, लाजमी लगाना है। नलिश ऑपरेटर है, जब तुम उठ के गए थे तो मैंने बताया क्या होता है, ठीक है, नलिश ऑपरेटर को अलग से भी वैसे पढ़ सकते हैं आप। इसको लगाने से ये होता है कि एरर नहीं देता ये, अगर कोई एक उसमें पॉइंट अनडिफाइन मिल जाए तो एरर नहीं देता। पहले इसको लगाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता था, एंड एंड करके लगाते थे हम, लॉजिकल एंड का इस्तेमाल होता था, लेकिन वो बड़ा मुश्किल था। ES6 में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया नलिश ऑपरेटर, तो ये जस्ट फॉर द सेफ साइड आपको ये लगाना चाहिए। तो ये वेदर मेरा प्रिंट हो गया, अच्छा इसमें अभी मैंने मिन मैक्स प्रिंट करवाया है, आप और भी जो चीज़ें चाहें आप प्रिंट करवा सकते हैं। मिन मैक्स को मैं कहता हूँ भाई न्यू लाइन में आ जाओ आप, मैंने कहा भाई BR न्यू लाइन में आ गया ये, अच्छा और मैक्स हो गया एक मैक्स, और मैंने कहा इसको भी क्या भाई ये हो जाएगा मैक्स, ठीक है, मिन मैक्स दोनों प्रिंट हो गया मेरे पास, अच्छा वो सेम डेटा आ रहा होगा ना इसलिए सेम है, लाहौर में चेंज हो गया, इस्लामाबाद में भी चेंज हो गया, ठीक है, लंदन में भी लंदन में चेंज हो गया, ठीक है, तो ये मैंने तीन चीज़ें प्रिंट करवाई हैं, आप सारी चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है जी। यार मैंने तो सोचा था ट्विटर की API चलाएंगे, लेकिन वो असल में बड़ा लंबा प्रोसेस है उसका, फेसबुक की नहीं चल रही है ना, सोचो और कौन सी ऐसी API हो सकती है, हाँ इंस्टाग्राम की देख लेना कोई पब्लिक API वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज की API हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज की API से मगर एक मसला है ना, वो आप किसी क्वाइन का नाम लिखेंगे वो आपको रेट उसके दे देगा, यही करेगा, हैं देखो क्या होता है, API कॉल करना हमने दोनों तरीके से देख लिया, एक तो ऑटोमेटिक खुद से चल जाए API वो भी देख लिया, बटन के क्लिक पे कैसे चलता है वो भी देख लिया, अब एक चुन्ना मुन्ना सा काम और भी है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ये जो लगा हुआ है ना इस वक्त, अभी मैं एक वक्त में या तो होम को खोल सकता हूँ या तो वेदर को खोल सकता हूँ या तो अबाउट को या तो गैलरी को। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, एक छोटा सा नेविगेशन बार बना लेते हैं कि भाई मैं होम पे क्लिक करूँ तो मुझे होम पे ले जाए, अबाउट पे करूँ तो अबाउट पे ले जाए, ठीक है, ताकि ये सारे पेज एक साथ प्रिंट हों कम से कम। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इस पूरे ऐप की ना एक कॉपी बना लेता हूँ, अच्छा इसका नाम मैंने ट्विटर कॉपी रखा हुआ था, मेरा ख्याल है ट्विटर कॉपी शायद इसका नाम नहीं बल्कि सही है, ट्विटर कॉपी रहने देते हैं क्योंकि इसमें वो बनाया है ना हमने ट्विटर वाला पेज, होम पे, होम पे आती हैं ट्वीट्स गेट हो गए, वो ट्विटर की API से नहीं आ रही, किसी दूसरी API से आ रही है, लेकिन वो ट्विटर जैसी ही कुछ है। तो इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ नंबर 6, दैट इज़ कॉल्ड राउटिंग, के जिसमें हम नेविगेशन बार बना के ना अलग अलग पेजेस पे जाके देखेंगे कि वो कैसे होता है।
अच्छा, राउटिंग के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो इंस्टॉल कैसे होता है? वो इंस्टॉल होता है इससे, ये इसका नाम है रिएक्ट राउटर डैश डॉम। अब राउटर के अंदर चला जाता हूँ मैं, राउटर वाली ऐप में, इसको मैं रोक देता हूँ, सीडी करके बाहर आया, मैंने कहा सीडी 6 राउटर, और राउटर के अंदर जाके मैंने क्या करा, ओके, राउटर के अंदर जाके मैंने क्या कहा, npm i और रिएक्ट राउटर डॉम, क्या कॉपी हो गया, रिएक्ट राउटर डॉम। तो इससे क्या हुआ, रिएक्ट राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी थी वो मेरे पास इंस्टॉल हो गई है। ये मैं अलग नया कॉपी बना के इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा अलग अलग रहे दोनों, जो हमने अभी API कॉल की है वो थोड़ा अलग रहे और राउटर जो है वो थोड़ा अलग रहे। अच्छा, उसके बाद मैंने npm start इसको दोबारा से कर दिया ताकि ये रन हो जाए, और अब मैंने क्या करना है, ये रन हो चुका है, लेकिन रन तो हुआ है लेकिन मेन पेज पर मेरे पास क्या आता है, मेन पेज पे मेरे पास एक ही पेज खुलता है और दूसरे कंपोनेंट पे जाने का या दूसरे पेज पे जाने का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम अब ये काम करने लगे हैं कि ये किसी तरह से मैं इसको दूसरे पेज पे भी ले जा सकूं। ठीक है, तो इसने मुझे जो बताया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो ये यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने। इन्होंने कहा भाई आप इसको ऐसे करके ना क्या कर लो, ऐसे करके आप इसको इम्पोर्ट कर लो। कहाँ पर इम्पोर्ट कर लो, अपना जो app.js है ना वहाँ पर इम्पोर्ट कर लो आप। ठीक है, app.js पे आप इम्पोर्ट कर लो। और उसके बाद इसने क्या कहा, अगला काम ये करो कि एक अदद नेविगेशन बार बना लो, किसके अंदर, ऐसे डिव के अंदर। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ कि कैसे होगा वो। ठीक है, तो इसने बोला ना एक अदद ऐसे आप बना लो क्या, नेविगेशन बार। ये नेविगेशन बार तैयार हुआ है, पहले से हुआ है। ठीक है, राउटर के अंदर किसमें बना लिया, ये राउटर के अंदर। कुछ गड़बड़ की क्या मैंने, अच्छा नैव के बाद एक डिव भी है ना, ये डिव है क्यों भाई, इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है, राउटर के अंदर एक नेविगेशन बार यहाँ पे बना दिया। अच्छा, नेविगेशन बार जो नैव लगा हुआ है ये सिमेंटिक टैग है, हमने HTML के ज़माने में पढ़ा था कि नेविगेशन बार हमेशा नैव के टैग में होना चाहिए ताकि सर्च इंजन को पता चले। फिर ULLI इस वजह से, ताकि वो एक लिस्ट है, एक से ज़्यादा आइटम है, यानी होम और अबाउट जो है वो एक लिस्ट का पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं होम, अबाउट और यूज़र तो नहीं है हमारे पास, और क्या है, होम अबाउट और, हाँ होम अबाउट गैलरी पोस्ट और वेदर, होम अबाउट गैलरी और वो गिटहब में पुश नहीं हुआ ना, वो ग्रीन आ रहा है, और पोस्ट के अलावा क्या, एक वेदर है। अच्छा, अब मैंने क्या बताना है इसको कि जब होम के बटन पे क्लिक किया जाए तो ये कौन से राउट पे ले जाए मुझे, स्लैश के राउट पे। अबाउट पे करें तो स्लैश अबाउट, गैलरी पे करें तो स्लैश गैलरी पे ले जाए, URL मेरा चेंज हो ऊपर, राइट। और मैंने कहा कि पोस्ट पे करें तो पोस्ट पे लेके चला जाए, बल्कि पोस्ट को तो मैंने होम पे रखना है ना, इसको हटा देता हूँ, पोस्ट को तो मैंने होम पे रखना है कि बाई डिफ़ॉल्ट होम पे पोस्ट सारी नज़र आ रही हो, और वेदर पे क्लिक करें तो वेदर पे ले जाए। सही, अब ज़रा देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आ जाते हैं अपने कोड में। रिफ्रेश किया मैंने, देखो होम पे क्लिक किया तो स्लैश पे पहले से ही है, अबाउट पे किया तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर स्लैश अबाउट हो गया। ठीक है, उसके अलावा गैलरी पे किया तो ऊपर गैलरी, और वेदर पे किया तो ऊपर वेदर, लेकिन नीचे कुछ हो नहीं रहा इसकी वजह से अभी। अच्छा, तो नीचे करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक अदद स्विच, यहाँ पर नीचे मुझे एक अदद क्या चाहिए होगा, स्विच।
ठीक है, ये स्विच लगा दिया मैंने नीचे इसके। अच्छा, स्विच में मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई साहब जब ऊपर यूआरएल के अंदर अबाउट हो तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर करवा दो, अबाउट ऊपर यूआरएल में जब यूजर्स हो तो कौन सा करवा दो, यूजर्स का। तो मेरे पास यूजर्स नहीं है, मेरे पास कौन सा है, गैलरी है। अगर गैलरी हो तो गैलरी को प्रिंट करवा दो, और स्लैश हो तो होम को करवा दो, और मेरे पास क्या है, वेदर है ना, वेदर, वेदर को प्रिंट करवा दिया, सही है। अच्छा, और ये नीचे सब उड़ा देता हूँ मैं, नीचे इसकी जरूरत नहीं है मुझे, सही है। सॉरी, नहीं नहीं, स्विच क्यों बनेगा, नहीं ये वो स्विच थोड़ी है, स्विच केस वाला, ये दूसरा है। अच्छा, वो अभी मुझे याद आया, इसका नाम हो गया चेंज, स्विच का नाम क्या हो गया, अब हो गया इसका नाम राउट्स, आर ओ यू टी ई एस, राउट्स नाम हो गया इसका, स्विच का नाम अब चेंज हो चुका है, उसका नाम रख दिया गया राउट्स, ठीक है। अच्छा हाँ, अब राउट के बाद ना ये भी इस तरह नहीं होता, अब इसका नाम होता है कंपोनेंट इक्वल टू, ऐसे करके देना होता है इसको, सही है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स में अपडेट नहीं हुआ अभी तक, हाँ सही है, ये इस तरह करके लिखना होगा मुझे, ये थोड़ा सा नया तरीका जो है ना ये वाला है, पता नहीं उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अभी तक चेंज ही क्यों नहीं किया। अभी लगा दे तो, लगा बता, और गुड गॉट इट, नहीं नहीं असल में ये V6 पे हुआ है अपडेट ना, V6 पे अपडेट हुआ, ये सही है ना, क्लीन हो गया कोड, सही है ना, पहले से क्लीन हो गया, वो पहले डबल डबल होता था ना। अच्छा भाई दबाई, इसके अंदर ये एरो लगता नहीं है, ये अंदर जो है ना ये लगता नहीं है, ये मुझे अभी याद आया, लगा दो तो भी चल जाता है, मना नहीं करता, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के अंदर, ऐसे चलता है ये, सही है। तो काफ़ी क्लीन है ये, जो पहले वाला है V5 में जो तरीका था ना, उससे काफ़ी क्लीन है ये, सही है। कितना सेट है, हाँ क्लोजिंग टैग एक्स्ट्रा, सही है, काफ़ी क्लीन है ना ये, जो मैंने पहले लिखा था उससे तो बहुत क्लीन है ये, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो रहा था। अच्छा, अब मैंने कहा अबाउट, अरे वो नीचे तो रेंडर ही नहीं हो रहा, नहीं शायद वो मुझे लगाना था जो मैंने हटा दिया, जोश में आ गया, अब यार ये क्या सीन हुआ, तो कौन सा फंक्शन, एक मिनट, फंक्शन होम, कौन सा फंक्शन होम, वेबसाइट पे गया, डॉक्यूमेंट में, ये अच्छा वहाँ पे, नहीं नहीं ये तो कंपोनेंट बने हुए हैं ना, ये तो हमने बनाए हुए हैं पहले से, ये कोई मैंने गड़बड़ की है इसकी वजह से ये गड़बड़ कर रहा है। नहीं वो असल में पहले क्या होता था, V5 था स्टैंडर्ड, तो जब इंस्टॉल करते थे तो V5 इंस्टॉल होता था, ये V5 की डॉक्यूमेंट है, ये देख रहे हो, ये पता नहीं डिफ़ॉल्ट पे V6 क्यों नहीं आता, आ जाएगा वो थोड़े दिनों की बात है, V6 आ चुका है ना अभी तो नया इसका, यार क्या मिस्टेक कर दी मैंने इसमें, राउट्स राउट राउट पाथ वेदर, वेदर सही तो है यार, कंपोनेंट की स्पेलिंग तो नहीं मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिनट ज़रा इसको गूगल करता हूँ मैं,
कुछ मैंने किसी चीज़ की स्पेलिंग वगैरह मुझे लग रहा है मैंने मिस्टेक कर दी है ना। हाउ टू राउट कंपोनेंट रेंडर प्रॉपरली, अच्छा वो नहीं लगेगा, वो साइड पे जो है ना पहले सही किया था मैंने। राउट 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 नहीं, वो तो कॉलन अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा स्विच राउट सही तो मैंने किया हुआ है, स्विच राउट कंपोनेंट स्लैश डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वेदर वेदर वेदर, तो जब मैं वेदर पे जाऊँ तो मुझे ये डिस्प्ले करना चाहिए उसको वेदर का कंपोनेंट पूरा। यार क्या मिस्टेक कर दी मैंने, एन पी एम स्टार्ट रोक के दोबारा चलाता हूँ। ये मैं किसके एप डॉट जी एस में खड़ा हूँ, राउटर के ही खड़ा हूँ। हाँ हाँ ना बिल्कुल सही है भाई, वेदर सही से इंपोर्ट नहीं हुआ क्या यहाँ पर, इंपोर्ट तो हुआ है कंपोनेंट। एक दफ़ा वी सिक्स की डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम और वी सिक्स के डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। सही है, वी सिक्स के हम डॉक्यूमेंट्स पे आ गए, ये वी सिक्स का डॉक्यूमेंट खुल गया। आर ओ यू टी ई एस यही तो है, आर ओ यू टी ई एस राउट। राउट्स राउट ब्राउजर राउटर सही तो है यार सब कुछ। अच्छा यहाँ पे कुछ वार्निंग में ही बता भी रहा है, क्या बता रहा है, ये कह रहा है लीफ राउट एट लोकेशन वेदर डज नॉट हैव एन एलिमेंट विच मीन्स इट विल रेंडर आउटलेट विद नल वैल्यू डिफॉल्ट रिजल्टिंग एम्प्टी पेज। अच्छा ये कुछ बोल रहा है या मैं समझ में नहीं आ रहा कि बोल क्या रहा है, इसको अलग से सर्च कर लेते हैं। हाँ इसमें स्लैश नहीं है, पता नहीं स्लैश तो लगेगा ही ऑफ कोर्स। इन्होंने स्लैश नहीं लगाया हुआ पाथ में यार, सही कह रहे हो तुम, मे भी ही स्लैश की वजह से ही हो रहा है। हाँ यार और नहीं ये तो ऊपर से इंपोर्ट हुआ है ना। अबे यार ये तो अभी मैंने आज ही कल परसों चलाया है, बिल्कुल सही चल रहा था, आज क्या हो गया इसको। नहीं मिस्टेक तो मैंने कोई ना कोई की होगी ना, जाहिर है जब ही नहीं चल रहा हूँ।
ऐसा क्या कर दिया है मैंने उसको? ये वाले में चलिए, इसमें तो स्लैश लगेगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्लैश, इसमें लिंक वाले में तो स्लैश सही है, ये रहा ना लिंक वाले में स्लैश लगा हुआ है। ओके गॉट इट। ये पता है मैंने क्या मिस्टेक की है, ये कंपोनेंट नहीं है, इसका नाम एलिमेंट है। एलिमेंट नाम है, नहीं ये चेंज नहीं है, ये असल में मैंने गलती से लिख दिया था, एलिमेंट नाम है उसका, ये सही हो गया। होम अबाउट गैलरी वेदर, ये देखो ना यहाँ लिखा हुआ तो है, यहाँ पे इसका नाम एलिमेंट लिखा हुआ है, कंपोनेंट थोड़ी है वो, मैंने पता नहीं क्यों कंपोनेंट लिख दिया था। इधर भी एलिमेंट, इधर तो खैर वो बताया भाई दूसरे तरीके से, सही है। तो थोड़ा सा टाइम इससे ज़ाया हुआ हमारा। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये जो नेविगेशन बार है ना हमारा, इसको क्या कर देना है, इसको ऊपर हमें सीधा करना है। कैसे होगा ये, ऐप डॉट जे एस और ऐप डॉट सी एस एस, ठीक है। ऐप डॉट सी एस एस पे जाके मैंने क्या बोलना है, ये तो पुराना वाला उड़ा देते हैं सारा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। नेविगेशन बार को आगे मैं क्या दे देता हूँ, एक अदद क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम नेव बार, ठीक है। और इस पर मैंने क्या लगा देना है, सी एस एस लगा देनी है कि डॉट नेव बार जो है ना उसको आप क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा, ये सीधा होके खड़ा हो जाना चाहिए उसको, अरे क्यों नहीं हुआ। ओके ये नेव बार के अंदर यू एल को मुझे जो है डिस्प्ले फ्लैक्स करना है ताकि इसके एल आई सीधे हो जाए, इसके अंदर मैंने बोला यू एल, अब होगा ये सीधा हो गया। अच्छा इसका ये डॉट कैसे हटेगा, कौन बताएगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है डॉट हट गया उसके, और मुझे अंडरलाइन भी हटाना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है टेक्स्ट डेकोरेशन भी हट गया, ओए नहीं हटा, अंडरलाइन हटाना था मुझे ना, क्या है, हाँ यस एंकर टैग पे है वो, मैंने कहा डॉट नेव बार के अंदर जो यू एल है उसके अंदर जो एल आई है और उसके अंदर एंकर टैग है, वो असल में अंदर एंकर टैग ही है। अच्छा हाँ चलो लिंक लगा कर देखते हैं, नहीं उस पर वो काम नहीं करेगा, असल में वो जो लिंक है ना वो इंटरनली रेंडर क्या होता है, वो एंकर टैग रेंडर होता है, असल में वो एंकर टैग है। तो मुझे इसके आगे ए लगाना है, सही है हट गया वो। अब साथ साथ मुझे क्या करना है, इसको चकोर डब्बा भी बनाना है, इसको मुझे बैकग्राउंड कलर भी देना है। तो मैंने कहा कि भाई ये जो नेव बार है ना मेरा, ये जो नेव बार है इसको क्या दे दो आप, बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, ठीक है बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया इसका। ये ऊपर क्या चीज़ आ रही है इसकी, अच्छा ये नेव बार जो है वो ऊपर आ रहा है, वेल और मैंने कहा कि कलर जो होगा ना आपका वो होगा वाइट, ठीक है वो कलर इस पर अटैच नहीं हुआ, चलो कलर नीचे वाले पे लगा देते हैं, कलर इस पर लग गया, ठीक है कलर वाइट हो गया। थोड़ा सा मार्जिन मैंने कहा भाई ले लो आप, ठीक है दूर दूर हो गया थोड़े से, और मुझे क्या चाहिए, अब बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड वाइट, ये बॉर्डर आ गया इसके। यार ये कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी, ये ऊपर मार्जिन आया हुआ है, किस पे मार्जिन आया हुआ है यार, जरा देखें तो सही, यू एल पे मार्जिन आया हुआ है 16 pixel, यू एल पे तो मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, इसका मार्जिन 0 कर देते हैं। हाँ ये अपसेट हो गया ना, ठीक है मार्जिन के साथ साथ मैंने कहा पैडिंग भी आप ले लो,
पैडिंग भी ले लो आप 10 पिक्सल। अच्छा ये बहुत ज़्यादा जो वो हो रहा है ना आपका, इस पर मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी यार, ये क्या सीन है यार। नहीं ये उस नैव बार के अंदर असल में मैं समझ में आ गया मुझे मैंने क्या गड़बड़ की है। ये मैंने ना असल में इस पर मार्जिन ज़ीरो नहीं करना था, ये ब्लैक कलर मैंने इस नैव बार को देना था। सही है, ब्लैक कलर मैंने नैव बार को देना था। और क्या मैंने पैडिंग वेडिंग दी है ना, ये सब बढ़ा देता हूँ उससे। अब क्या मसला है, हाइट की ज़रूरत ही नहीं है, जितना कंटेंट उसके पास है उसको टाइट हो जाना चाहिए उसको। नहीं नहीं बॉडी का क्या इशू होगा, बॉडी पे क्या लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये टॉप से पता नहीं क्या चीज़ है जो नीचे आ रही है हल्की सी। अच्छा मुझे लग रहा है इस पर कुछ पहले से CSS कहीं अप्लाई हुई हुई है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। index.css में देखता हूँ, हाँ ये रहा ना, देखो index.css में कुछ ये लगा हुआ है, ये इस पर इम्पैक्ट कर रहा है, हटा दिया उसको मैंने। सही है, हाँ देखा उस पर वो टेक्स्ट का ना वो सब आ रहा था इसके ऊपर। अच्छा बहुत ज़्यादा मैंने जूम इन किया हुआ है, ये भी रीज़न है। जूम इन बहुत ज़्यादा किया हुआ था मैंने, लेकिन स्टिल इसमें CSS में कोई गड़बड़ अभी भी है। हैं? ये ओवरफ्लो हो रहा है हमारे इससे, ये एंकर टैग जो है ना ये li से हमारे ओवरफ्लो हो रहा है, हालांकि li को बड़ा हो जाना चाहिए उसी के हिसाब से। नैव बार फिक्स हुआ है, ये क्या चक्कर है भाई। हाँ वेल तो चलो इस पर CSS तुम लोग लगा लेना। अच्छा होम पे मुझे क्या चाहिए, होम पे मैंने ये दिखा दिया ये सारा कुछ, और टॉगल डार्क और टॉगल वो करवा दिया वाइट। ठीक है, अबाउट पे मैंने क्या दिखा दिया, अबाउट पेज। गैलरी पे मैंने क्या दिखा दिया, गैलरी पेज। और वेदर पे मैंने ये वेदर का पेज दिखा दिया। नहीं नहीं एक साथ नहीं बनाना, ये नहीं करना। सही है, अलग अलग बनाना। हाँ वेदर ऐप बिल्कुल अलग होगी, वो बिल्कुल अलग होगी, ये तो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया, लेकिन असल में आप हर ऐप अलग अलग बनाओगे आप। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो कि वेदर वाली जो ऐप होगी तुम्हारी उसमें क्या करोगे, एक होम होगा जिसमें करंट वेदर आता होगा, फिर एक वेदर फोरकास्ट का अलग पेज होगा उस पर वेदर फोरकास्ट आता होगा, इस तरह तो कर सकते हो। हाँ सही है, तो ये हमने ना राउटर थोड़ा सा डिस्कस कर लिया आज। कल सब लोग क्या करोगे, जल्दी बताओ क्या करोगे। नंबर एक, वो जो ट्विटर की बनी हुई है ना हमारी, फेसबुक का जो भी बनाया था तुम लोगों ने, उस पर API कॉल कर लेना जो मैंने आज कॉल करके बताई है, ताकि वो ज़रा इंटरनेट से डेटा आ जाए। दूसरा ये वेदर ऐप भी इस तरह से बना लेना, सेम वेब बना लो या अलग से बना लो एक ही बात है, बेहतर ये कि अलग से बनाओ। रिएक्ट पे एक वेदर ऐप तुम्हारी होनी चाहिए, स्टाइलिंग वही वाली लगा लेना जो पहले लगाई थी, स्टाइलिंग दोबारा से करने की ज़रूरत थोड़ी है, वही स्टाइलिंग उठा के अप्लाई कर देना इसके ऊपर। तो अब ये क्या क्या बन जाएगी तुम्हारी, रिएक्ट की वेदर ऐप बन जाएगी। पहले वो प्लेन HTML CSS की ऐप थी, और उसके ऊपर वो डेटा इसी तरह आ जाएगा। और जो आप बनाओगे ना फेसबुक वाली जो ऐप, उसमें ये राउटर सबने नेविगेशन बार बनाया हुआ है ना ऊपर, उस नेविगेशन बार पर ये राउटर अप्लाई कर देना। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पेज पर आपका पोस्ट गेट होके आ रही है, दूसरे पेज पे प्रोफाइल का एक बना देना, जैसे प्रोफाइल पेज होता है कि इस तरफ प्रोफाइल फ़ोटो नाम वगैरह कुछ भी डमी सा बना देना, मतलब 2-3 पेजेस हो, ताकि पता चले कि हाँ यार कुछ फेसबुक जैसी असली ऐप है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम पूरा प्रॉपर फेसबुक बनाने जा रहे हैं। अगले क्लास में हम लॉगिन साइनअप करने की कोशिश करेंगे। सही है, अब करेंगे कुछ ना कुछ, देखेंगे अगली क्लास में वो क्या होते हैं। ठीक है, चलो भाइयों, अल्लाह हाफिज़।